Subject computer class 2. Unit number is 2. We have done the reading of page number 20 and 21. Now we are going to read page number 22. Drop, drag and drop. When a mouse is used to move an item from one location to another, it is called drag and drop. माउस में कोई भी आइटम जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, लेकर जाते हैं, या इस आइटम को यहाँ ले आएँ या इसको यहाँ ले आएँ, तो इसका मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप किया है हमने. द फॉलोइंग स्टेप शो हाउ टू ड्रैग मीन मूव एंड ड्रॉप मीन प्लेस एन आइटम. ड्रैग का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नई प्लेस के ऊपर पुट कर देना. Step 1. Move the mouse pointer to the item which you want to move. For example, recycle bin. The icon of the recycle bin is then highlighted. Mouse ka pointer, agar humne ye recycle bin ka icon hai, yahan par lakar rakhe, to ye highlight ho jayega. Aapko nazar aa raha hoga ki ye highlight ho gaya. Step 2. Click and hold the left button of the mouse and drag the icon to any area of the desktop. Phir इसको हमने वहाँ से यहाँ ड्रैग किया, और ड्रैग करने के लिए जब आप क्लिक करते हैं माउस पे, तो आपने उसको रिलीज़ नहीं करना, छोड़ा नहीं, उसको क्लिक करते हुए ही आपने माउस पॉइंटर को लेकर आना है, तो वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी, ड्रैग हो जाएगी. स्टेप 3. रिलीज द माउस बटन, द आइकन इज ड्रॉप टू द डिजायर्ड एरिया. अब इसको जब हमने ड्रैग किया, तो ड्रैग करके यहाँ से हमने यहाँ प्लेस कर दिया इसको, फिर हमने माउस को रिलीज़ करना है, उसको छोड़ना है. ड्रैगिंग के दौरान आप माउस को प्रेस ही रखेंगे, उसको रिलीज़ नहीं करेंगे. कंप्यूटर टिप. ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन अ लैपटॉप. प्रेस द लेफ्ट बटन ऑन द टच पैड टू सेलेक्ट एन आइटम. होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन एंड स्लाइड यूजिंग द टच पैड टू ड्रैग द आइटम. रिलीज द बटन एंड ड्रॉप द डिजायर्ड एरिया. माउस जब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो माउस के थ्रू करते हैं, और लैपटॉप में जब हमने करना है, तो टच पैड जो है उसका लेफ्ट साइड का जो बटन है, उसे हमने प्रेस करना होता है, ताकि वो डिज़ायर्ड आइटम ड्रैग होके जिस जगह हमने उसको प्लेस करना है, वहाँ प्लेस हो जाए.